तो आज हम आपको हमारे घर के बारे में कुछ बताने वाले हैं। आप सब पूछते रहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे, साथ साथ दिखाएंगे। तो लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सोफो के इतना सोफो ने सफर किया, कभी इधर कभी उधर घुमा घुमा के, कभी इधर आ रही थी, कभी उस नुक्कड़ में, कभी इधर क्यों। अभी थोड़े से चलने चुलने के लिए जगह भी हमने घर में बना ली है। नीचे तीन स्टेप वाली है, तो नीचे नीचे भी सामान इसके ऊपर पड़ा हुआ। उसके बाद हमारे पास ये देखें कितनी जगह है यहाँ पर। एक ये मुड़ा पड़ा है, टेबल पड़ी है, ये चेयर पड़ी है जिसके ऊपर मैं बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो आज के व्लॉग का आगाज हो चुका है। मुझे लगता है कि आज ये व्लॉग सेम डे पे आएगा, क्योंकि कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। हाँ, कल भी सेम डे पे आया था। हाँ हाँ, कह रही कोई नहीं बनाया था, मतलब वो ऐसे बनाया ना कि सारा बातों वाला था, तो मुझे लगा मैंने तो बनाया ही नहीं व्लॉग। व्लॉग वो होता ना जिसमें थोड़ा बहुत कोई एक्टिविटी को काम काज दिखाया, बैठ के खाली बातें शातें कर दी, तो उसको तो व्लॉग नहीं बोलते ना। अच्छा, तो चले आज के व्लॉग का आगाज हो चुका है, आज का पूरा व्लॉग होगा। और आज आप लोगों को मेरी सीट भी चेंज नजर आ रही होगी, पहले मैं वहां बैठी होती, आज मैं यहाँ बैठी हूँ। घर की हमने काफी सारी सेटिंग जो है वो चेंज की है, तो आप सबके साथ शेयर भी करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ उठा के हमने, रात को हम लगे रहे, लेकिन जब हम उठा के सामान इधर उधर कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अब उसकी वीडियो क्या बनानी है, जब हम सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रख रुख लेंगे तो उसकी बनाएंगे। तो चले जनाब, अभी जो है सुबह से उठे हैं, तो सर्दी काफी हो चुकी है। इस्लाम मुझे वो दे दो, मेरी कैप, और वो मुझे मेरी कैप शाल दे दो, मैं वो पहन लूं। मुझे तो लग रही है ठंड थोड़ी थोड़ी, चूल्हा जलाया नहीं है, जहां हम चूल्हा रखते थे वो जगह जाया होगी, वहां पर कुछ और चीजें आ गई। और चूल्हा रखने की जगह मैं अभी सोच रही हूँ, उसका पाइप थोड़ा सा छोटा है, वो पीछे दरवाजे के पास ही हम रखते हैं, थोड़ा सा पाइप उसका बड़ा करते हैं ताकि जरा यहाँ तक आ जाए। अभी थोड़े दिन तो मेरे ख्याल में और हीटर शीटर की जरूरत रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो खैर, बिल चंगा आया, बिल हमारा 25,000 आया है गैस का। तो मैं छोटी बहन से बात कर रही थी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा हमारा 25,000 बिल आ गया। तो मेरी अम्मी कहती बालो चवी घंटे चूल्हा, बालो चवी घंटे चूल्हा, मतलब हर टाइम तो चूल्हा जलता रहता, वो कहती इसीलिए आए। खैर कोई नहीं, यही महीना है, इसके बाद जो आगे फिर गर्मियां स्टार्ट हो जानी है, तो गुजर महीना भी नहीं मेरा था, ये बारिश हो रही इसलिए सर्दी होगी। वैसे तो मौसम तकरीबन नॉर्मल हो ही गया था, तो एक दो दिन मेरे ख्याल बारिशें और चलेंगी, उसके बाद जो है ना बिल्कुल वो थम जाएगा, गर्मी फिर स्टार्ट हो जानी है। तो बस जी, क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो खैर अभी जो है ना जल्दी जल्दी नाश्ते से स्टार्ट लेंगे, और उसके बाद आपको सब कुछ दिखाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ किधर से उलट पुलट हमने घर में आज क्या किया है। तो जी, सर्दी से बचने के लिए खैर चूल्हा तो अभी तक हम अंदर नहीं कर सके, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना कोटी छोटी ये कैप शाल, ये बड़ा मैं इस पे इजी फील करती हूँ, लूज लूज होती है ना, इसमें बंदा वो घुटा घुटा नहीं रहता, तो ये पहन लिया जल्दी जल्दी। ये देखे जी, बेटा मेरा तो सो रहा है। मेरे बेटे उठ जा, आलू वाला नान खाना है मेरे बेटे ने, आज बाहर बारिश हो रही है, सर्दी, आज आलू वाले नान मंगाए मैंने बेटे के लिए। ओए सोने, ये नहीं उठ रहा, इसके लिए लपेट के रख देना सुमा शहजादी। ओके, माशाल्लाह जी, आज का जो हमारा नाश्ता है ना वो स्टार्ट हो रहा है आलू वाले नान से, बारिश का मौसम है, ये देखें माशाल्लाह। और हमने सब के लिए आलू वाले नान मंगवा लिए, ठीक है, साथ में हमने बनाई है ये चटनी, दही की चटनी डाली है, और अभी जो है ना आलू वाले नान खाएंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्या हमारा, अभी 2 बज रहे हैं दिन के। तो भाई बारिश का मौसम और आलू वाले नान हो, बेसन वाले नान हो, आलू के पराठे, तेज बारिश हो रही, ओए पप्पू भीग के आया बाहर से ये नान लेने गया था। तो भाई बारिश के मौसम में ऐसी चीजें खाने का तो एक अपना ही मजा होता है। आप लोग भी जल्दी जल्दी उठो, बाजार से आलू वाले नान लाओ और खाओ, नहीं तो घर बना लो। पप्पू गरम गरम, बहुत गरम है, मजे का जी, सर्दी में ज्यादा मजे का लगता है, और बारिश तेज है, इतनी तेज है। चलो जी पप्पू साहब नान खा रहे हैं, मैं भी खाती हूँ। अभी थोड़े से चलने चुलने के लिए जगह भी हमने घर में बना ली है, तो आए मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगी, साथ साथ में बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ मैनेज किया हुआ है। बेड तो आप लोग मेरा देख ही रहे हैं, ये रहा, और यहाँ पे साइड टेबल है, और साइड टेबल सॉरी वो साइड टेबल है, इसका ड्रेसिंग टेबल है, और जो मेरे कपड़ों वाला है ना ये हैंगिंग के लिए, उसको यहाँ कर दिया है। अभी सारे मेरे कपड़े प्रेस होने वाले हैं,
खैर करेंगे आस्ता आस्ता। तो बेड तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। अच्छा उस तरफ आप बोलते होते हैं काफी चीजें हैं, काफी कुछ लोग तो कुछ बोलते हैं, गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, ये बेडरूम है कि स्टोर रूम है। तो मसला ये, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मसला ये कि हमारा घर है छोटा, बहुत छोटा है। आप देख रहे हैं यही जगह, ये है एक रूम पीछे है, वो भी मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं यहां से दिखा रही हूँ, वो साइड टेबल है, उसके साथ हमने एक टेबल रख के उसके ऊपर एल्बम है पिक्चर का, इतना बड़ा एक बैग में वो रखा है, अटैची रखा है, वो मेरी हीटिंग बेडशीट पड़ी है, उसके साथ ये ट्रॉली पड़ी है, जगह कोई नहीं कहीं पे भी इसको रखने की, तो हमने यहाँ रख दी हुई है। और इसके ऊपर नीचे तीन स्टेप वाली है, तो नीचे नीचे भी सामान इसके ऊपर पड़ा हुआ, और ऊपर से भी अभी काफी सारी चीजें मैंने उठवा के पीछे शिफ्ट करवाई है। उसके बाद इस स्टैंड पहले उधर था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई जगह नहीं बन रही थी घर में रखने के लिए, तो मैंने कहा इसको यहाँ रख देते हैं। ये मोड़ा है, इसको हटाएंगे, साइड पे करेंगे, तो यहाँ खड़े होके इधर कपड़े इस्त्री हो सकते हैं, और इसका स्विच वहां पे लग जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरफ आते हैं तो ये एक अलमारी है, ठीक है, इसमें हमारी छोटी छोटी जरूरत की, जो समझ लें कि रोज की जरूरत की चीजें होती हैं, वो पड़ी, जूसर मशीन है, जग पड़ा है, कुरान पाक पड़ा है, एक और जग पड़ा है, और छोटे मोटे बस डेकोरेशन पीस है, लेकिन अभी उनको फिलहाल ठप ठुक के रखा हुआ है, क्योंकि एक एक को रखने के लिए, सजाने के लिए जगह नहीं। जैसे मैं बड़े घर में गई थी, वहां पे मैंने बहुत कुछ लिया था, लेकिन फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, तो फिर वो चीजें जैसे जैसे, अभी तो इतना सामान पैक कर करके हमने नीचे वाले किचन में, ऊपर वाले किचन में बिल्कुल सेफ करके रखा हुआ, डब्बों में ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये लगा रखा है, ये दिखाओ, इसमें छोटी मोटी चीजें वो सारी आ जाती है, ठीक है। एक वो सामने लगा रखा है, दीवारों का पेंट खराब हुआ, आप कहते हैं घर का काम कराएं, घर के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और थोड़ा टाइम भी मिल जाए, और इतना ज्यादा सामान है, अगर काम शुरू करेंगे तो ये सामान कहाँ रखना है, तो समझ सोच के करेंगे। वहां पर मेरी टोटल बेडीज हैं, ये वो सब कुछ पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा बेड इधर, एक मुड़ा यहाँ पे रख दिया है, और मैं आलू लेके आई थी लाहौर से, ये देखो कहाँ, यहाँ उसके लिए जगह बनी, वो टोकरी में डाल के मैंने यहाँ पे रख दिए। एक चेयर फिलहाल यहाँ पड़ी है, यहाँ पर भी कोई भी बैठ सकता है, इधर सोफे वाले बैठे हो, इधर हम बैठे हो, तो बातें जाते कर सकते, जीम रहा है सो। अच्छा सोया रहने दो इसको। उसके बाद इस तरफ आते हैं, पीछे जाओ पप्पू, मतलब ये बेड से इस तरफ हमने चेंजिंग क्या की है, वो सारी इस तरफ है, खुली डुली जगह है यहाँ से गुजरने के लिए भी, ये मेन डोर है घर का। अच्छा यहाँ पर ये हमने एक सोफा रख दिया है दीवान, जिसके ऊपर अभी जीम सो रहा है। उसके बाद पप्पू पीछे जाओ थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह व्यूअर्स को समझ भी आ जाए। उसके बाद हमारे पास ये देखें कितनी जगह है यहाँ पर, एक ये मूड़ा पड़ा है, टेबल पड़ी है, ये चेयर पड़ी है जिसके ऊपर मैं बैठी थी, और उसके अलावा एक टेबल हमने यहाँ पर भी रख दिया, ये देखो नजर आ रहा है, ताकि यहाँ पर अगर कोई बैठा है, उसको कोई गिलास पानी का रखना है, कोई अपना मोबाइल कोई चीज रखनी है, तो यहाँ पर रख सके, नहीं तो जरूरत आने पर इस टेबल को उठा के हम इधर भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये है सोफा कम बेड, सोफा भी बन जाता है, बेड भी बन जाता है, इसको हमने यहाँ पर सजा दिया है। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाके, ये पूरा नजर आ रहा, दिखाओ जरा, आ रहे अभी देखना, एक सोफा इधर आ गया, एक इधर आ गया, यहाँ पर चेयर है, टेबल है, मतलब यहाँ पर आप हम ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, सो भी सकते हैं। जैसे कि जीम रात को इस सोफे पे सो गया था, जहां पर पप्पू इसको खोल के सो गया था, ठीक है, सुबह हमने फिर उसको ऊपर कर दिया। और जो हमारी एक टेबल थी वो ये रही, ये दिखाओ, यहाँ पर इसको रख दिया, इसके ऊपर अभी चिंगेरे पड़ी है, और फिर इसे आटा निकाला, टेबल के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा नरम होगा तो उसको हम पकाएंगे। और इस तरफ आओ, जैसे यहां से इस तरफ आओगे तो इसके पीछे ये रही फ्रिज, इधर आओ दिखाओ, यहाँ पर हमने फ्रिज को सेट कर दिया, ठीक है। वो पीछे नीली बाल्टी नजर आ रही है, उसमें हमारा आटा पड़ा है, उससे पीछे आपको किचन के अंदर अलमारियां नजर आ रही होंगी, तो वहां पर टोटली अलमारियां हैं, हमारे घर की जो दो सेफ अलमारियां हैं, जिनके अंदर हमारे एक्स्ट्रा सामान कपड़े ये वो सब कुछ है, वो सब कुछ उसमें है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कवर्ड बनवाए, आप अलमारी बनाए, कहाँ बनाए, किस जगह पर बनाए आप देखें, क्योंकि उस तरफ बेड है, एक वो अलमारी सी पहले बनी हुई, अगर उस तरफ हम बना भी लेते हैं
अगर अलमारी बन भी जाती है बेड के साथ, जिस तरफ स्टी स्टैंड पड़ा है, तो फिर क्या होगा, इस तरफ बेड आएगा तो इधर से गुजरने की जगह नहीं बचेगी, तो कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे हम आते हैं, ये दरवाजा और ये मेरे पीछे जगह है अलमारी बनने की, अगर यहाँ पर अलमारी बन भी जाती है इतनी इतनी वो आ जाती है, तो फिर ये चीजें ऐसे आगे लेके जानी पड़ेगी। ठीक आ गई, मुझे मैंने मास्क लगाया हुआ था उतार दिया, पता नहीं किस चीज से मुझे एलर्जी होती है तो फौरन मेरी तबीयत होती है। तो जगह बहुत छोटी है, अगर इस तरफ भी हम अलमारी फुल यहाँ पर भी बना देते हैं तो फिर आगे मतलब ये थोड़ी सी जगह बचती, फिर इधर दरवाजा है उधर दरवाजा है, ये सारा कोई सेटिंग नहीं बनती घर की ना। तो बस जब जिसने बनाया था उस वक्त ही वो इसका नक्शा थोड़ा सा देख के बनाते, तो मैंने जो इसका नक्शा सोचा होगा ना, अगर वो वाला वो बनाते ना तो बहुत अच्छा घर बनना था और नक्शा बहुत अच्छा बनना था। मैंने ऐसे सोचा था कि जैसे ये पिछले रूम से लेके तोड़ इसकी लेंथ है ना, ऐसे दरम्यान में यहाँ पर अटैच वॉशरूम आ जाता, एक रूम इधर होता एक इधर होता, और ये दो बड़े रूम बन जाने थे वहां तक, जहां तक ये सोफा जैसे ना ऐसे ठीक हो गया। और आगे जो वो वाली स्पेस बचनी थी ना, वहां से लेके वहां तक लंबी तोड़ तक, एक साइड पे उसका ओपन किचन आ जाता, दूसरी साइड पे सीढ़ी जो थी वो बेशक बाहर से दी जाती या अंदर से दी जाती इस तरफ से, और दरमियान में फिर ये जगह बचनी थी। ठीक है, इसमें टीवी लॉन्च आप बना सकते थे, ड्राइंग रूम बना सकते थे, कुछ भी उसका आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बस बनाने वाले ने सेटिंग जब ऐसे की, और आप अगर इसकी सेटिंग चेंज करो तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जो कि अभी वो हमारी करने की गुंजाइश नहीं है, करेंगे देखेंगे। तो मेन इंटरेस्ट यही है हमारी। ठीक है, वैसे नक्शे में हमारा ये टीवी लॉन्च है और ये ड्राइंग रूम है। ठीक है, इधर दिखाओ, ये ड्राइंग रूम का एरिया है और ये टीवी लॉन्च का एरिया है। तो हमने इसको बेड में किया हुआ क्योंकि पीछे मेरा बेड नहीं आता, रूम थोड़ा सा छोटा है, बेड ज्यादा बड़ा है, तो हमने यहाँ ही रख दिया। हमने कहा ठीक है, बस हमारा घर हमारा बेड हमारा सब कुछ है, चलने दो। तो चले आपको पीछे वाला रूम भी अभी दिखाते हैं। तो अभी जी यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं पिछले वाले रूम में। ये हमारा बैक साइड वाला रूम है जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने पहले भी देखा होगा, क्योंकि पहले मेरा बेड यहाँ पे होता था, वो बेड थोड़ा साइज में छोटा था, उसका स्टाइल और था, वो यहाँ पे आ गया था, लेकिन अभी ये वाला नहीं आता। इधर भी जगह कम है, इधर भी जगह कम है, दरवाजा दरमियान में एक साइड पे दरवाजा होता तो हो सकता है आ जाता। अच्छा चले, उधर किधर बना रहे हो, जो मैं चीज बताऊंगी उसकी बनाओ। ठीक है, अच्छा इधर रोशनी थोड़ी सी काम है, जल्दी जल्दी हम स्पीड मारेंगे। यहाँ पर जो है ना, इसके ऊपर ये हमारे गंदम के तोड़े पड़े हुए हैं, ठीक हो गया, नीचे वो मैंने फोल्डिंग वाला बेड बनवाया था उसके ऊपर रखे। एक सोफे की सीट हमारी यहाँ पड़ी है, ये मैट्रेस पड़ा है, जरूरत पड़ने पर हम यहाँ इसको डाल लेते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा एक ये थ्री सीटर यहाँ पे आ गया है, एक कुर्सी वहां पे हमने रख दी है, और एक जो सिंगल बेड था उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक हो गया। इस रूम में जगह है लेकिन ये दरमियान में है, अब दरमियान में आप क्या रख सकते हैं, रखने वाली चीजें ही रख सकते हैं, तो दरमियान में हमने जगह इसलिए छोड़ी। वैसे यहाँ पर एसी भी लगा है कि गर्मी अब आगे जब आएगी तो हम इस रूम को इस्तेमाल करेंगे, सोफे पे असर चला जाएगा, इस सिंगल बेड पे अम्मी चली जाएंगी या मैं सोफे पे चली जाऊंगी, यहाँ पर हम मैट्रेस वगैरह डालेंगे गर्मी में सोने के लिए। तो अभी आते हैं रूम से बाहर, बाकी की बातें बाहर आके आराम से बैठ के करेंगे। तो असल का रूम ऊपर है, इसके ऊपर जहां मेरा बेड है इसी के ऊपर ऊपर रूम बना है, और ऊपर ऐसे ही एक पीछे रूम है, उस रूम में एक हमने बेड लगाया हुआ है, उसमें मेरा भाई सोता है, जीम कभी उसके साथ सोता है, कभी जीम नीचे सोता है, ठीक हो गया। और असल का वो रूम हो गया, और ऊपर जो ये वाली जगह है ना, ये वाली, इस पे भी हमारा एक डबल मैट्रेस पड़ा हुआ है। डबल मैट्रेस घर से कभी कोई फैमिली आती है, मेरे बहन भाई, तो यहाँ तो ऐसे तो एडजस्ट नहीं होते ना, फिर हम वो मैट्रेस यूज करते हैं, उस मैट्रेस को हम नीचे लेते हैं या हम कमरे में डालते हैं। अभी देखे हमारे पास यहाँ पे भी जगह है, अगर इन चीजों को उठा के हमारे पास उधर जगह है, इनको हम वहां पे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा डबल मैट्रेस भी आ सकता है, सिंगल मैट्रेस भी आ सकता है, इस सोफे को हम थोड़ा सा उस तरफ पीछे भी खिसका सकते हैं जरूरत पेश आने पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से गुजारा हो रहा है, बड़े अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है और हो रहा है। और फिर जाहिर है चीजें तो कहीं ना कहीं रखनी है,
और कोई और अलमारी नहीं है घर में, कोई वो कबर्ड नहीं है घर में कि मतलब जो उस अलमारी में चीजें पड़ी उनको उठा के वहां शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं कुछ भी नहीं। तो हम वो रोज रोज की जरूरत की चीजें, और किचन आप लोग पूछते हैं, अभी नजदीक आ गए पप्पू थोड़ा सा जो किचन आप लोग पूछते हैं ना, किचन में मेरे पूरे घर की अलमारियां पड़ी हैं, और उसके अलावा हमारा इतना ज्यादा सामान किचन में स्टोर हुआ है ना, कुछ ना पूछे। अलमारियों के ऊपर इस साइड पे जो जगह बनती, पूरी साइड ऊपर तक दीवार तक भरी हुई है, ऊपर वाला किचन भी भरा हुआ है। तो हम फिर चूल्हे को बाहर गैराज में यूज कर लेते हैं, तो अभी सर्दियों में तो हम लोग यहाँ ही कर रहे थे, यहाँ पे रख के। मैं तो वैसे भी चेयर पे बैठ के खाना वाना बनाती, खड़े होके तो मुझसे इतना होता नहीं है काम, तो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से ये सब हो जाता है। तो ये था व्यूअर, छोटी सी हमने सेटिंग चेंज की थी, ये पहले सोफा कम बेड भी और जिसपे जीम सो रहा था वो भी, ये दोनों पिछले रूम में पड़े हुए थे, उधर से निकाल के मैंने यहाँ कल निकलवाए। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मैं इधर ही होती हूँ इसी रूम में सोती हूँ, तो कोई भी घर में मेहमान या हम सब फैमिली बैठते हैं, पहले वो एक बेड होता है सिंगल, उसके ऊपर पप्पू या अम्मी लेट जाते हैं। तो अब जो ना हमारे पास बैठने की काफी जगह होगी, एक चेयर वहां पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, एक मूड़ा यहाँ पे आ गया, एक मूड़ा उस तरफ पड़ा है, चार लोग तो इस पे बैठ सकते हैं। उसके अलावा जिस सोफे के ऊपर जीम सो रहा, तीन लोग वहां भी बैठ सकते हैं। अभी ये देखो उल्टा हो गया, फटाफट लेट गया, ये देखो तीन लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो हम जब पूरी फैमिली इकट्ठे होते हैं, सब बहन भाई घर से बच्चे बुच्चे आते हैं, तो सब एक जगह पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेटिंग थोड़ी सी मैंने ये दिमाग में रख के चेंज की, और वैसे भी थोड़ी बहुत सेटिंग का भी। ये भी बता कितनी दफा सोफे घुमाए थे, कितनी दफा घुमाए थे? ये पहले इधर रखा और वो इधर, फिर वो इधर और ये इधर, फिर इसको उधर, उसको इधर, 30 दफा इसको घुमाया, फिर वो सामने, और सोफो के इतना सोफो ने सफर किया, कभी इधर कभी उधर घुमा घुमा के, कभी इधर आ रही थी कभी उस नुकर में, कभी इधर, क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे थे कि कैसे सही एडजस्टिंग हो, थोड़ी स्पेस जाए, चलने फिरने की जगह बचे और चीजें भी अच्छी तरह रखी जाए। तो खैर फिर ऐसे रखी तो बहुत अच्छे से सेटिंग होगी, तो जबरदस्त हो गया। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेना था 30 दफा उसको इधर, इसको इधर, मेरे काम पे पड़ा हुआ था उसको घुमा लेना था उधर, पप्पू पप्पू घुमा घुमा के मैं सेटिंग करवा के बैठती, फिर मैं कहती पप्पू नहीं ऐसे सेटिंग नहीं सही आई, चलो आओ अभी इस तरफ घुमा के करते, फिर उस तरफ घुमा के करते। पप्पू को ज्यादा काम करना पड़ा ना, किसने करना था? मुझसे तो होता नहीं, चलो खैर कोई नहीं, ज्यादा नहीं था, सोफे सोफे तो हमने खींच खींच के इधर किए, उठा उठा के नहीं किए, तो जबरदस्त हो गया। ओए तैयार हो गई हो, कपड़े शपड़े पहन लिए, तो ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? ये मुड़ी है बच्चे, दिल करे तो बोलते हैं, दिल करे तो गूंगे बन के खड़े हो जाते हैं। तो चलो खैर बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो व्यूअर्स अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। था हमारा छोटा सा घर, कोई होम टूर नहीं था, होम टूर देंगे जब हम घर को सही तरह फिट फाट सेट सुट करेंगे। अभी तो हमने दिखाया है कि हमने ये सेटिंग थोड़ी सी की, और जो लोग कहते हैं कि ये क्या कचरा मारा हुआ है, तो भाई कोई कचरा नहीं, हमारा घर है, हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है। तो देखी जाओ तुम भी सारे ऐसे ही हर घर में जब कोई होम टूर देता है तो वो अच्छी तरह से चीजें आगे पीछे सजा सजू के इधर उधर कर कर के होम टूर दे देते हैं, बाद ओ यार होता है जेड़ा साड़ा है। तो हम तो एवरी टाइम वो अपनी रियल जो चीजें हैं वो दिखाते हैं, ऐसा नहीं करते कि अभी मेकअप करके टीवी के सामने कैमरे के सामने आए और बाद में अंत होते मुंह ही पावे दो दिन फिरते रहो, नहीं, जैसे हैं वैसे ही आते हैं और वैसे ही रियलिटी दिखाते हैं, कोई फेक ना कंटेंट हमारे पास है ना हम दिखाते हैं। आंटियां जी मुंह धोनी है 3 किलो बेस ना। पप्पू कह रहा है, पप्पू कह रहा आंटियां जब मुंह धोती हैं 3 किलो बेस उतरती है मुंह के ऊपर से, तो मेरी पुप्पो पुप्पो के मुंह से ना कुछ लगाती है तो ना ही कुछ उतरता है। तो थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।